All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. सुप्रभात बच्चों, बच्चों आज हम संस्कृत में अस्माकं उस्वाह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों आप सब अपने समक्ष पुस्तक रखकर देखना शुरू करिए और हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करिए। तो बच्चों देखिए, दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, असौ महोत्सव कार्तिक्याम अमस्यायाम संघटते, अमस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र चतुर्दश वर्ष मितम स्वकीयम वनवासम परिसमाप्य रावण वधांतरम अयोध्यायाम प्रत्यागच्छत, तथा प्रभृत्ययम् उत्सवः प्रचलति, अमस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम भवति, तत्र देवीम अवयम सर्वे धान्य धान्य आदिकम याचामहे, सर्वे जना स्वकीयान गृहान दीपमालाया सज्जयन्ति, सायं वयं पिथेषु आपणेषु मार्गेषु गृहेषु च सर्वत्र दीपकानां प्रकाशं पश्यामः, अहो कियत् चाक्षिक्यं प्रतिभवनं विद्युद्दीपानां, उत्सवेषु दीपावली प्रमुख उत्सवो वर्तते अस्माकं देशे, अन्ये अपि उत्सवाः सन्ति, रक्षाबन्धनं विजयदशमी होलिका उत्सवः इत्यादयः। बच्चों अर्थ देखने से पहले आप संदर्भ देख लीजिए इस पाठ का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वर्तिका भाग 3 अस्माकं उस्वाह नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही रक्षाबंधन, विजयदशमी और होली के नामों का भी उल्लेख किया गया है। तो बच्चों आइए हिंदी अनुवाद देखने से पहले शब्दों के अर्थ भी देख लीजिए। आप शब्दों के अर्थ में महोत्सव, महोत्सव माने होता त्योहार, अस्ति माने है, असो माने यह, कार्तिक क्या माने कार्तिक के, संघटने माने पड़ता है, अमस्मिन् माने इस दिन, चतुर्दश वर्ष मितम 14 वर्ष पर्यंत या 14 वर्ष के बाद, परिसमाप्य माने होता है समाप्त करके, प्रत्यागच्छत होता है आए थे। आगे देख लीजिए, और सर्वे माने सभी, रात्रो माने होता है रात में, उत्सव माने त्योहार, तत्र माने वहां, वयम माने हम सब, सर्वे माने सभी, जना माने लोग, याचामहे माने मांगते हैं, गृहान गृहान माने होता है घरों में, और साय माने शाम को, विथेश माने होता है गलियों गलियों में, वापेश माने दुकानों में, मार्गेश माने मार्गों में, गृहेश माने घरों में, सर्वत्र माने सब जगह, पश्यामा माने देखना देखते हैं, कियत माने कितना, प्रतिभवनम प्रत्येक भवन में, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, उत्सवः माने त्योहार, संति माने है, अस्माकं माने हमारे, वर्तते माने है। आगे देखिए हिंदी अर्थ इसका, दीपावली प्रकाशस्य महोत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाश का त्योहार है, असौ महोत्सव कार्तिकायाम अमस्यायाम संघटते, यह त्योहार कार्तिक महीने की अमावस्या को पड़ता है, अमस्मिन् दिने भगवान रामचंद्र, इस दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के अपने वनवास को समाप्त करके, रावण का वध करने के बाद अयोध्या क्या आए थे, प्रत्यागच्छत माने वापस आए थे, ततः प्रभृति अयम उत्सव प्रचलति, तब से अयम माने यह, तब से यह उत्सव या त्योहार क्या है, प्रचलित है, अमस्मिन् महोत्सवे रात्रो महालक्ष्मी पूजनम भवति, इस त्योहार पर रात में महालक्ष्मी की बहुत मानी होता है, महालक्ष्मी की पूजा होता है, वहां देवी से, तत्र माने वहां, वहां देवी से हम सब क्या करते हैं, धन धान्य आदि मांगते हैं,
और क्या करते हैं, सर्वे जना सभी लोग अपने घरों को क्या करते हैं, दीपकों की मालाओं से या दीप मालाओं से क्या करते हैं, सजाते हैं। शाम को हम सब विथिस माने गलियों में, वापिस माने दुकानों में, गलियों में, दुकानों में, मार्गेस माने मार्गों में, चा माने और गृहेश माने घरों में, और घरों में सर्वत्र माने सब जगह, और सब जगह क्या देखते हैं, दीपकों का प्रकाश देखते हैं। अहो माने अरे, प्रतिभवनम प्रत्येक भवनों में बिजली के, विद्युत माने बिजली, बिजली के दीपा नाम, बिजली के दीपकों की कीत माने कितनी, चाक चिक्यम कितनी चकाचौंध होती है, कितनी अच्छी चकाचौंध होती होती है। आगे देखिए, उत्सवेषु दीपावली प्रमुख उत्सवे वर्तते, उत्सवों में या त्योहारों में दीपावली प्रमुख त्योहार है। अस्माकं देशे अन्य अत उत्साह संति, हमारे देश में दूसरे त्योहार भी हैं, संति माने हैं त्योहार भी हैं, जैसे रक्षाबंधन, विजयदशमी, होली का त्योहार आदि। बच्चों संधि विच्छेद देख लीजिए, महोत्सव, महोत्सव क्या क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव या महाधन उत्सव। प्रत्यागच्छत में क्या होगा, प्रति धन आगच्छत हो जाएगा। और आगे देख लीजिए आप, प्रभृति अयम, प्रभृति अयम यानी क्या हो जाएगा, इसमें इसमें भी आपका संधि है, प्रभृति प्लस अयम, प्रभृति धन अयम हो जाएगा। और देख लीजिए, होलिका उत्सव, होलिका धन उत्सव, इति माने इति आदि आद्य, इति धन आद्य। और विथेश आपड़ेश, विते विथिस धन आपड़ेश, इसमें भी आपका संधि विच्छेद है बच्चों। और एक आपका और है याचा महे, याचा महे जो आपका याच धातु है, इसमें लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो ये आपका संधि विच्छेद हो गया बच्चों। आज बस इतना ही है, हिंदी अनुवाद आप इसका जो भी हमने अर्थ आपको बताया है आप सब कॉपी में कर लेंगे, संदर्भ और प्रसंग सहित, ठीक है, बस आज इतना ही बच्चों। आगे का जो गद्यांश है उसको हम फिर आपको बाद में पढ़ाएंगे। हेलो, सुप्रभात बच्चों। बच्चों इसके पहले हमने आपको अस्माकं उत्सवः का पहला गद्यांश हमने आपको पढ़ाया था, और आज उसी पाठ का, अस्माकं उत्सवः का अगले गद्यांश का हिंदी अनुवाद आप व्याख्या देख लीजिए। तो बच्चों देखिए, कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति, अस्य एव तिथौ गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत्। सिख धर्मावलंबिना जना अस्मिन् दिने विशेष रूपेण उत्सवान् आयोजयन्ति, तैः सह तेषाम् इष्ट मित्राणि अपि इदं पर्व मानयन्ति, ते गुरुद्वारं परिवार जनान् नयन्ति, तत्र शिरः नमित्वा ते गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयं स्वकीयं धर्म ग्रंथ श्रुण्वन्ति, मित्रैः सह संलम्पन्ति, आनंदम लभन्ते च। अमस्मिन् पर्वणि सिख महानुभावा सर्वेभ्यः समागतेभ्यः जनेभ्यः समयागम प्रसाद रूपेण वितरन्ति, भजन कीर्तनाल कार्यक्रमेण सह ते शोभा यात्रां अपि आयोजयन्ति। बच्चों आइए आप हिंदी अनुवाद देख लीजिए, लेकिन हिंदी अनुवाद देखने से पहले आप प्रसंग देख लीजिए, संदर्भ पहले ही रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको पूर्वती। इस गद्यांश में सिखों के प्रमुख त्योहार गुरु नानक देव जयंती के विषय में बताया गया है। तो बच्चों आइए देखिए, पहले तो शब्दों के अर्थ भी आप देख लीजिए। शब्दों के अर्थ में है सिख धर्मावलंबिना, तो हो जाएगा सिख धर्म, सिख धर्म को अवलंबिना माने मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जना माने लोग, नयंती माने क्या होता है, नयंती माने होता है ले जाते हैं, नयंती माने ले जाते हैं, शिरा माने सिर, तत्र माने महा,
नमित्व माने होता है नमस्कार करके या झुकाकर। और आगे देखिए श्रुणन्ति माने होता है सुनते हैं। समागतेभ्य आए हुओं को क्या करते हैं, समागतेभ्य माने आए हुओं को क्या करते हैं, समयावम। समयावम माने क्या होता है, हलवम। आगे देखिए बच्चों, देख लीजिए आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। कार्तिक मासस्य एव पूर्णिमायां गुरु नानक देवस्य जयंती भवति। कार्तिक महीने की ही पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती बहुत ही मानी होती है। अस्य एव तिथो गुरु नानक देवस्य जन्म अभवत। इस तिथि को, इस ही तिथि को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, अभवत माने हुआ था, जन्म हुआ था। सिख धर्मावलंबिना, सिख धर्म को मानने वाले लोग क्या करते हैं, लोग इस दिन विशेष रूप से क्या करते हैं, उत्सव का आयोजन करते हैं, विशेष रूप से उत्सव का आयोजन करते हैं। उनके साथ तय माने उनके साथ क्या करते हैं, उनके तेसाम उनके इष्ट मित्र भी इदम माने यह परो माने त्योहार माने माने मनाते हैं। उनके साथ उनके इष्ट मित्र आदि त्योहार को मनाते हैं। ते गुरुद्वारम परिवार जनान नयंती। और क्या करते हैं, वे गुरुद्वारों में क्या करते हैं, अपने परिवार के लोगों को नयंति माने ले जाते हैं, परिवार के लोगों को क्या करते हैं, ले जाते हैं। तत्र माने वहां, वहां नमित्वा महा सुर, महा पे क्या करते हैं, शिरा माने सिर, महा सिर झुकाकर या नवाकर वे सब क्या करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब नामक अपने धर्म ग्रंथ, स्वकीय माने अपने धर्म ग्रंथ का क्या करते हैं, पाठ को सुनते हैं मित्रों सा समलपंती, मित्रों के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, और क्या करते हैं, और आनंद को प्राप्त करते हैं। अमुस्मित पर्वण के महानुभाव, इस त्योहार पर, पर्वण माने त्योहार, अमुस्मित माने इस त्योहार पर सिख महानुभाव क्या करते हैं, सर्वेभ्य समागत गतेभ्य सभी आए हुए लोगों को क्या करते हैं, हलवे के रूप में प्रसाद वितरण माने बांटते हैं, हलवे के रूप में प्रसाद बांटते हैं। भजन कीर्तन आदि कार्यक्रमों के साथ वह क्या करते हैं, वे शोभा यात्राओं का भी आयोजन करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका हिंदी अनुवाद, और इसमें भी आपके संधि विच्छेद है पहले गद्यांश की भांति। तो इसमें देखिए कार्तिक मासस्य प्लस एव, और अगला है इष्ट मित्राणि अपि, इसमें आपको हो जाएगा इष्ट मित्राणि धन अपि हो जाएगा। नमित्वा इसमें कत्व प्रत्यय है, नम धन कत्व, कीर्तन धन आदि देख लीजिए। और आपका क्या है, अपि आयोजयन्ति, अपि धन आयोजयन्ति, इसमें भी आपका संधि विच्छेद है, और भजन कीर्तन धन आदि इसमें भी है संधि विच्छेद। तो अभी तो आप सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद समझ लीजिएगा अच्छे से, और जो उन्होंने पहला गद्यांश आपको बताया उसे कॉपी में करना है, बाकी के जो बचे हुए गद्यांश है उसका अर्थ हम आपको फिर बताएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। Said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt.